हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। जिला चित्रकूट ब्लॉक मानिकपुर, ये राजकीय महाविश्वविद्यालय है। यहाँ 19 नवंबर से 25 नवंबर तक का पुरानी धरोहर पे समारोह चल रहा है। इस तरह से प्रदर्शनी लगी हुई है, बच्चों को चित्र दिखा रहे हैं कि इस तरह से पहले धरोहर थी। इसमें बच्चे, प्रधानाध्यापक और पुरातत्व के अधिकारी शामिल हैं। ये समारोह मनाने का उद्देश्य है कि बच्चे पुरानी धरोहर को जाने क्या था, पहले किस तरह से परंपरा थी। ये पुरातत्व विभाग इसलिए मनाया गया है कि जिससे हमें पुरानी परंपराओं के बारे में पता चले, क्योंकि हम आज के बच्चे हैं ये सारी परंपराएं नहीं जानते हैं। इस वजह से हमारे कॉलेज में ये उत्साह मनाया गया क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चों को पता चले कि पुराने समय में कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे, कैसे वो औजार पत्थर के औजारों से अपना भोजन बनाते थे, मारते थे, शिकार करते थे। इसीलिए हम लोग को ये सब दिखाया गया। ये हमें बहुत कुछ समझ में आता है, पुरानी चीज़ों के बारे में देखने को मिलता है उनके बारे में कि कैसे वो लोग थे, कैसे औजार थे पहले। अब तो ऐसे औजार नहीं मिलते, इसीलिए हमारे साथ लोग ऐसा प्रोग्राम रखे जिससे हम लोग को देखने के लिए मिले। ये धरोहर कार्यक्रम का उत्सव किया गया, इसमें सभी चीज़ों को नॉलेज दिया जाता है, सबको जागरूक किया जाता है, सभी बच्चों को, और एक से एक प्रतियोगिता हमारे महाविद्यालय में होती रहती है। अब विश्व धरोहर दिवस के दिन एक सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज से ही इसकी शुरुआत हुई है और राज्य पुरातत्व आयोग द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है राजकीय महाविद्यालय। ये जो आज कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है उसको अपने अतीत से परिचित कराना, जो हमारे अतीत के धरोहर हैं उनको हम कैसे संरक्षित करें, उनको हम आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे संजो कर रखें, उनको बचाने के उद्देश्य से ही आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाए, जैसे चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, भाषण, बच्चों का भ्रमण, जागरूकता रैली, ऐसे ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को जागृत किया जाता है। आज जो हमारे पीढ़ी नई पीढ़ी है उसको ये बताया जाता है कि धरोहरों का हमारे समाज में क्या महत्व है, हमारे जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं ये हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं, यही बताना इसका मेन उद्देश्य होता है। और प्रदेश में तो देखिए पुरातत्व विभाग, हमारे पुरातत्व की 5 इकाई हैं, गोरखपुर, बनारस, प्रयागराज, झांसी और आगरा और लखनऊ मुख्यालय, इन जगहों पर हमारा विभाग बना रहा है। देखिए इस तरह का जो कार्यक्रम होता है महाविद्यालय स्तर पे, ऐसे कार्यक्रम हम बच्चों में कराते रहते हैं कि जो हम परंपरागत शिक्षा देते हैं वो कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो, हमारा मानना यह है कि हम शिक्षा को कैसे बच्चों के लिए मूल्यवान बनाएं। हर कार्यक्रमों के लिए हम लोग अपने स्तर से, चाहे वो लोकल में जो इंस्टीट्यूट हैं उनको भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमने चिट्ठी भी 2-3 स्कूलों में लिखी है कि अधिक से अधिक बच्चों को आप भेजें ताकि निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता आदि में सम्मिलित हों। और जो हमारी धरोहर है स्थानीय या जो भी है, सबसे बड़ी धरोहर तो मैं मानता हूँ कि विविधता में एकता, इसी को अगर ये संजोए रखें, इसको समझते हुए समाज में अगर कुछ नहीं संजो पाते हैं तो सबसे बड़ी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है विविधता में एकता, ये भावना भी अगर हम नए छात्रों में पैदा करने में एक हफ्ते में सफल हुए तो हमारे लिए इस कार्यक्रम की सफलता बहुत बड़ी सफलता होगी। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।